मुझे अपने घर जाना है। भाई जो मैं कहता हूँ। हेलो जी, आप कैसे? हेलो जी भाई साहब, वेलकम बैक टू दी अनदर डे अनदर व्लॉग। क्या चल ही रहा है भाई आज घर में? सब अलग अलग चीजें चल रही हैं। मैंने कहा यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आज। वो वहाँ घर जाने के लिए रेडी हो गई है, यहाँ सफाइयाँ कर रही है, ये लोग इधर आए हुए हैं। मतलब सारे, मतलब घर अभी फैला हुआ, डिस्टर्बेंस हुई है बिकॉज कल इवेंट था, तो उसके बाद घर फैल गया। पैर मेरे गंदे गए हैं, साफ तो है। खैर भाई, जब तक यहाँ सफाई हो रही है बीच में, मैं जरा सा कोने पे जाके बैठ जाऊँ, ब्लॉग को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। अल्लाह हाफिज। घर पहुंच के मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? और रिक्शे वाले को ज़रा देखती रहना कि कहाँ जा रहा है। तुम तो चुप रहो, देख के बैठना। मलाइका वलाइका तो चली गई है, सही है। अब सारे एक एक करके जा रहे हैं। मुझे तो लगा नानू एक और दिन रुकेंगी हमारे साथ, लेकिन नानू भी आज ही जा रही है और मामी आ चुकी है नानू को लेने, जस्ट लाइक मामू आते हैं। ओए शपगंजू, क्या कर रही हो? ओए देख के। और तुम रुकोगे? ये तो रुक रहा है, सही है। कल छुट्टी है ना? चलो ठीक है, तुम रुक जाओ, तुम मेरा गद्दा डाल देना। मेरे साथ सो गया अलिशबा के साथ? हाँ, उसने आया वहां से, सो नहीं रहा। वो कहा कहाँ सुलाएंगे तुम्हें, फिर बता दो। हम इसका भाई कहाँ से लेकर आते हैं, ये बताए। किसी के पास भी नहीं सो? नहीं, और कंबल दे रहे, कंबल भी नहीं पहन रहा। वो भाई बहनें भी बड़ी है ना, कह रही शर्म आ रही है। भाई इसको कौन तंग कर रहा है यहाँ पे? कौन कर रहा है तंग? हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग उसके साथ? भाई जब से उठा हूँ कुछ खाया वाया भी नहीं है मैंने, ऐसे ही हम घूम रहे हैं क्योंकि घर में आज लोग आए हुए, तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। राहुल चपड़गंजू, तो छोटे बच्चों की तरह कर रही है, मुझे अपने घर जाना है। नानो यार चली जाएगा अब, नानो रोए नहीं यार। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाउसफुल ट्रैक हो गया, हाउसफुल। अब बाहर से कुर्सी लानी पड़ेगी। एक तुम यहाँ बैठो, मैं उधर बैठूंगा। जाओ उधर, अरे मम्मी ऐसी बात भी नहीं है। 346 minutes later. यार सीन कुछ हुआ है कि मुझे अब आ रही है नींद, क्योंकि मैं बैठा था व्लॉग एडिट करने और मैं व्लॉग एडिट करूं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि नींद ना आए। मैं जब भी व्लॉग एडिट करने बैठता हूँ तो कोई सा भी टाइम होता है नींद आना शुरू हो जाती है। मतलब नहीं होता भाई, नहीं हो रहा। नींद ऐसी आ रही है ऊपर से सामने, ये देखे, ये ऐसे सो रही होगी तो आप बताएं सामने वाले बंदे को नींद आएगी नहीं आएगी? मुझे तो आएगी। तुम्हें तो आएगी ना, तुम बता दो। ओए चपड़ गंजू, अरे खराटे की ये जो मेरा कल वाला व्लॉग जिसने देखा है, जिसमें क्लिप में खर्राटे के पीछे से आवाज आई थी, वो मामू के खर्राटे की आवाज थी। अरे भाई आपके साथ क्या हुआ है? शूज खराब हो जाएंगे। अबे भाई साहब, मजेदार मजेदार मजेदार। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अब सारे जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, लेकिन आपकी बेगम रुक रही है यहाँ पे आज। हाँ आज आपकी बेगम रुक रही है। फेक न्यूज़ है? फेक न्यूज़ नहीं है, वाकई नहीं है।
नानो जा रही है, नानो को सी ऑफ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई। लेकिन नानो से कमेंट भी ले लेते हैं, तुमका कल का कैसा रहा, क्या कहती है, ले नहीं ले? नहीं कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी कह देते नानो। ये जिसको क्यों उठाया, चलो तुम तो रुक रहे हो ना, है हाँ कोई मसला नहीं है, हम लोग तो जाग ही रहे होते हैं। नानो आ गई, नानो आए तो उनसे कमेंट दे क्या। अम्मी मुझसे भी नहीं मिली, अभी अंगूठी मोड़ ले, अम्मी अंगूठी मोड़ ले, अंगूठी की लगी हुई आपको। अम्मी नानो से कमेंट लू नहीं लू, अम्मी मैं रह गया, मैं अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने तुम्हें कामयाब, सही अम्मी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। हाँ अल्लाह हाफिज, नानो को तो छोड़ दिया मैंने, जा रहे आखिरी गेस्ट, आप आखिरी गेस्ट जा रहे हैं, आनी तो रुक रही थी भाई, रखिया को सुकून चाहिए था, भेज दिया। हाँ भाई आनी को सुकून चाहिए होता है, यहाँ भेज दिया करें, मैं ऐसी वैसे भेजता हूँ कि मुझे भी सुकून चाहिए होता है। ओह माय गॉड, आनी आपको घर जाके सुकून देंगी, अच्छा वाला। वो मुझे बोलते थे आप लोग आओ, अभी नहीं आते आप, रुक जाती भाई, जो मैं कहता हूँ वो कर, अल्लाह हाफिज, संभाल के आएगा, हाँ एक मेहमान बाकी है अभी, चलो ना। सीन कुछ यूं है, इसके हो गए हैं 5 अंडे, अम्मी यार चकोर निकाल लूं भाई, मैं आपको इसके अंडे के ना दिखाता हूँ कि अंडे का है। अब आप ये देखें, इसके 3 अंडे ये रहे, ठीक है, एक अंडा ये रहा और एक अंडा ये रहा, ये रोज अंडे दे रहा है भाई, पता नहीं कैसे भाई साहब, ठीक हो ना, या इसको रख देते हैं, डर रहा है ये ना, ये डर रहा है। ओ जी तुम बैठ जाओ अपनी जगह पे वापस से, तो भाई पता नहीं ये रोज अंडे किस तरह कैसे दे रहा है, आई डोंट नो कि कैसे हो रहा है ये चीजें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो गंदी होगी। सीन कुछ यूं है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास रुक चुका है छोटू, तो हम इसको जा रहे हैं भाई कुछ सामान दिलाने, क्या रात को हम पार्टी करेंगे वो भी छुप के, सो अभी हम अपनी बाइक निकालते हैं और चलते हैं। ये मैंने मंगवाई है, क्या है ये भाई, है वाटर गन, तो इसका हम यूज करेंगे इंशाल्लाह, मजाक कर रहा हूँ, पौधों में वो डालते हैं, इससे क्या दवाई कीड़े मारने वाली मशीन है, लेकिन इससे हम क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, पानी भर के एक दूसरे को मार सकते हैं, जब तक ऐसे न्यू है तो हम ये कर सकते हैं, करेंगे ज़रूर, जब तक अगर मामे ने यूज़ नहीं की तो। नहीं मुझे बताओ मेरी आई तुमसे बड़ी है, ये जाइए भाई, ये लो यार भाई, ये लो, मुझे ये नहीं बता, ये 1 किलो है 2 किलो, तो मैं चीज़ नहीं लेनी, चीज़ लो फटाफट से, यहाँ से लेनी है ले लो, यहाँ पे सब और कुछ नहीं लेना क्या, इसको अंदर भी डालो, अब हम आइसक्रीम लेकर आते हैं, सही है। तो जी हर शर तो आ गया, अल्पाइन में बहुत रश था, कौन ख़त्म हो गई थी, हम दूसरी आइसक्रीम लिया, सही है, तो अब हम मूवी वूवी देखेंगे, बैठेंगे, बाकी कल का मामा से पूछते हैं और फिर क्या करते हैं व्लॉग को एंड। हेलो जी आप कैसे, इस बार मैं व्लॉग बनाऊंगा, ये व्लॉग बनाना बहुत जल्द सीख जाएगा मुझे लग रहा है। तो खैर हम लोग मामा से क्या कहते हैं कल का पूछने वाले थे कि उनको कल कैसा लगा, अब मैं गलत साइड बैठ गई, आप इस साइड उठ के आए, मेरा हाथ बहुत अजीब है यार, प्लीज यार, सबके एंगल्स होते हैं यार, सबके एंगल्स होते हैं, खड़े होके पूछूंगी ऐसी,
हाँ, आपको कल कैसा लगा? मजा आया। मतलब क्या, मैं आपको सरप्राइज दे रहा, आपको तो सिर्फ अम्मी को सिर्फ ये पता था कि उनकी ईद की दावत है, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि हम उनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर देंगे और उनको बाबा भी गिफ्ट देंगे और सरप्राइज देंगे, सब हमें पता था, मामा को कुछ भी नहीं पता था। तो कैसा लगा आपको ये बता दें, आपको दावत कैसी लगी? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, अल्लाह में तुम लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत भाई। ये है ना, सिर्फ खाने के पीछे पागल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, मैं सोच के बताऊंगा। नहीं यही तो बोलूं, तुम बोल क्या रही हो, तो मेरा है पागल क्यों भाई। खैर यार, मामा को तो चीजें बहुत अच्छी लगी और मामा भाग गई हैं, अब मैं खैर नहीं जा रहा हूँ उनको डिस्टर्ब करने बाबर। खैर यार, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, नानू भी आई थी, वो एक दिन रुकी, हमने बहुत कोशिश की वो रुक जाए हमारे साथ, लेकिन यार ये होगी उनकी एज हो गई है ना, तो उनको अपने घर में बहुत सुकून मिलता है, उन्होंने एक अपना सेपरेट रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे जैसे भी नमाज पढ़ती हैं, वॉशरूम भी नज़दीक है, कोई स्टेप नहीं है ज़्यादा। यार लोगों की एज हो जाती है ना तो वो बहुत सुकून में रहना पसंद करते हैं, ऐसे हमारे घर में भी सुकून है, लेकिन जब नानू आती है तो आनी भी होती है हमारे साथ, फिर मामी के भी बच्चे हैं, तो बहुत ये इस तरह से है ना, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उनको बहुत वो होता है। खैर नानू भी चली गई, हमने बहुत कोशिश की, दो तीन दिन रुक गए लेकिन नहीं रुकी, होने बैठ गई थी वो कि मुझे घर जाना, तो हमने इतना फोर्स नहीं किया, क्योंकि बूढ़ा बच्चे के बराबर होता है यार, तो हम उनकी सारी बातें सुनते हैं जैसे वो बोलती हैं। खैर तो सब यही लड़ लो आगे, मुझे अपना व्लॉग एंड करने मत देना। खैर यार, मैं अपना व्लॉग यही एंड कर रहा हूँ, उन लोगों की चीजों पे बहस चलती रहेगी कि ऑरेंज वाला लिस्ट मुझे दे दो, ब्लू वाला तुम ले लो। खैर तो हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करना है, और आगे मैं क्या करने वाला हूँ वो हम बताते हैं, सो अल्लाह हाफिज़।